तो अब we'll take the questions. So and we start कहाँ से? Ladies first. Yeah, ladies first. जी. मेरा सवाल आपसे है इस विषय पे तो बहुत ही पहले भी फिल्में बनी हैं लेकिन अगर अक्षय खन्ना ऋचा जी इस तरह के उम्दा कलाकार हो तो उनके साथ एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है मुझे लगता है कि अक्षय जी बिना मतलब स्क्रिप्ट पे पूरा जब तक एब्सोल्युटली नहीं कर ले तब तक वो अपना रोल ओके नहीं करते हैं तो इसमें जैसा कि मंगत साहब ने भी बताया कि आप लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया हाई कोर्ट और यहाँ गए थे तो इसमें सिनेमैटिक लिबर्टी भी कुछ ली गई है या फिर बिल्कुल जैसा आईपीसी है और उन मैं जो आईपीसी है वो खुद अपने आप में सेक्शन 375 है और ये जो हादसा जो उस फिल्म में दिखाया गया वो अपने आप में इतना ड्रामेटिक है कि उसको ऊपर से कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी लेने की कोई हमको ज़रूरत लगी नहीं अपने आप में ही इतना वो पेचीदा और इंटरेस्टिंग था दैट वी स्टक टू व्हाट द लॉ सेज़ वी वेंट विद आवर रिसर्च वी लाइक कुमार जी सेड वी मेट अ लॉट ऑफ लॉयर्स और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम बहुत ही अनबायस तरीके से इस फिल्म को प्रेजेंट करना चाहते थे जो ऋचा का कैरेक्टर है शी इज़ फाइटिंग lawfully for what she think is right akshay ji's character is fighting lawfully for what he thinks is right to isme sirf faltu ka argument drama banane ke liye humne aisa nahi kiya hai but because law ko itna humne dhyan se padha to jo arguments hain wo aapko bahut fresh lagenge bahut pechida lagenge jo normally hum law ki filmon mein rhetoric zyada hota hai dialogue bazi zyada hoti hai but isme mudda hai har ek argument mein ek mudda hai so that way we stayed very true जी हमें ये जो पेपर आप लोगों ने दिया मैंने पूरी तरह से तो नहीं पढ़ा है लेकिन इसमें क्या जो 375 है उसमें ब्रूटल रेप और रेप दोनों का एक एब्सोल्युटली सजा अलग अलग हो जाती है जैसे अगर निर्भया का लें तो उन उसमें तो डेथ हो गई वो गैंग रेप है और ब्रूटल है तो जो इसमें अलग अलग सबसेक्शन है वो ये बताते हैं कि इफ इट इज मोर देन वन पर्सन तो क्या सजा है इफ देयर इज फिजिकल असॉल्ट इन्वॉल्व जैसे मारा गया निर्भया को या जो भी असॉल्ट उसके साथ जितना खतरनाक असॉल्ट हुआ दर्दनाक असॉल्ट हुआ तो सजा बढ़ती जाती है इन द एंड डेथ पेनल्टी है विच इज़ व्हाट वाज़ गिवन टू आई थिंक फोर पीपल हु वर कन्विक्टेड ऑफ रेपिंग निर्भया तो जैसे जैसे आपके क्राइम का ग्रूसमनेस बढ़ती जाती है सजा बढ़ती जाती है ओके थैंक यू एक्सेप्ट फॉर द जुवेनाइल एक हम सबको मालूम है कि एक लड़का 17 साल का था जब तक केस चल रहा था वो 18 का हो गया लेकिन फिर भी बिकॉज लॉ डिमांडेड दैट ही बी ट्राइड एज अ जुवेनाइल उसको 3 महीने के बाद छोड़ दिया गया दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द फिल्म रेजेज तो वॉज जस्टिस डन और नॉट बिकॉज लॉ कहता है कि इसको छोड़ दो बट पूरी कंट्री चाहती थी कि इसको भी दूसरों के साथ फांसी दो तो क्या जस्टिस हुआ क्या लॉ फॉलो किया गया लॉ फॉलो किया गया बट वॉज जस्टिस डन सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है दिस इज़ हीना कुमावत फ्रॉम आवाज़.com अभी हमने देखा और उन्होंने भी बात की कि इस पेपर में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हैं हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं और हमें लगता है कि छोटी उम्र से ही बच्चों को इस बात की जानकारी या बताना चाहिए तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ें सेक्शन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इनको स्कूल एजुकेशन से ही भले ही हायर स्टडीज़ से इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए ताकि लड़कियों में भी अवेयरनेस हो कि क्या है ये सेक्शन So you want to take this? I mean, I think sex education अपने आप में बहुत ज़रूरी चीज़ है और I don't think anybody will disagree कि अब जब से डेटा फ्री हुआ है you hear of these cases के juveniles ने गैंग रेप करके वीडियो अपलोड कर दिया रेप वीडियोज़ आर वेरी पॉपुलर ऑन porn sites. So in the absence of sex education, young boys, young girls will turn to pornography. For sex education, that is such a skewed way of looking at the world, that is so wrong at a very base level. इस चीज़ को rectify करने के लिए it's all the more important to have a discussion, whether at home, अगर आप comfortable नहीं हैं अपने बच्चों तो school में बात कीजिए मेरे school में था sex education and it really helped. We had a great relationship with between boys and girls. It was a co-ed school. और बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी ओवरऑल लाइफ और अपब्रिंगिंग पे तो ये ज़रूरी है मुझे ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं क्योंकि वो लॉयर्स पढ़ते ही हैं
ये तो बहुत बेसिक बात है कि रेप या मॉलेस्ट या असॉल्ट करना गलत है और ये सब जानते हैं, पर बावजूद इसके जो लोग करते हैं उनके दिमाग में भी कुछ एक मतलब जैसे क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड, एक प्रवृत्ति होती है, उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए आई थिंक सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी एसेंशियल. Also, not only in school, ma'am, I think even in the house, because there are a lot of cases where girls are being molested by their own relatives and people who are known to them. In fact, 98% of the cases are those jahan pe jo molester tha ya assault karne wala tha, victim ka janne wala tha. To wo ghar pe bhi, I think, the conversation bahut zaruri, ladkon ke saath bhi, ladkiyon ke saath bhi. Ke they should know the signs, they should know how to report abuse, they should be able to recognize abuse and not fear ke relative hai ya koi bhi hai, jo bhi. इस फिल्म ये आने के स्क्रिप्ट आने से पहले आप लोग जानते थे कि सेक्शन 375 क्या है? फ्रैंकली मैं नहीं जानता था, तो व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट आई रेड अबाउट इट एंड दैट्स हाउ माय एजुकेशन स्टार्टेड. आई डिड नॉट नो. अरिचा यू, अक्षय आप, एग्जैक्टली रेप का होता है 375, मर्डर का होता है ये नंबर, किसी और क्राइम का वो नहीं मालूम था, लेकिन रेप की, रेप का लॉ है वो तो सब जानते ही हैं. आई थिंक इस साल अब क्या होगा ना, आर्टिकल 15, 420, 377, 375, ये सब अब सिनेमा एजुकेशन का काम करेगी, तो जो नहीं भी जानता होगा उसको धीरे धीरे पता चल जाएगा. अच्छा, इस सेक्शन में मी टू भी आता है जो इतना बवाल मचा पिछले दिनों? वी हैव नॉट कैटेगोरिकली यू नो ट्राइड टू टारगेट दैट मूवमेंट, बिकॉज नो मूवमेंट शुड बी यू नो जज्ड. इस राइट नाउ इज जस्ट यू नो अभी इंडिया में वो अभी एक परचम पे नहीं पहुंची है, वो कहीं पहुंच रही है तो हमने उसको नहीं छेड़ा है, ठीक है. द केस माइट सीम सिमिलर टू यू कि एक फिल्म डायरेक्टर है जिसने अपने एक जूनियर असिस्टेंट के साथ एलिजिडली रेप किया है, एंड द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज फाइंडिंग आउट द ट्रूथ. एंड ट्रूथ, देयर इज अ फेमस सेइंग, एज यूजुअल लाइज समवेयर इन द मिडल. So the film does not take any sides, neither the girls or the boys. It's completely unbiased view. And when both are right and you cannot decide the case, then what does law tell you to do and how do you tackle that? So that is the central question that the film asks. इतना मैं स्ट्रैटेजाइज नहीं करती और मुझे नहीं लगता कोई भी इतना सोचता है. एक्चुअली अच्छी स्क्रिप्ट्स आर सो फ्यू एंड फार बिटवीन दैट व्हेन यू गेट अ गुड स्क्रिप्ट आपको अपने आप एक लालच होता है. और जब मैंने or everybody on the stage is somebody I wanted to work with and I'm very fond of and I deeply admire. So ye apne aap mein ek bahut badi opportunity thi mere liye. Aur jab maine script padhi to mujhe aisa, dekhiye mere sare character kafi atrangi hote hain, kabhi don hote hain, kabhi gaali bakne wale, kabhi ruasi, matlab ye mujhe pehli baar laga thoda normal hai. मतलब सिर्फ एक लॉयर है, कोई पिंप या ड्रग डीलर नहीं है या गाली देने वाली लड़की नहीं है. तो आई वाज एक्साइटेड अबाउट दैट आल्सो. और जहाँ तक एक किरदार का सवाल है, मैं नहीं, कोई भी लड़की इसके साथ रिलेट करेगी. व्हाई डू फाइट सो अग्रेसिवली फॉर समथिंग यू बिलीव इन इन इज रॉन्ग, समथिंग यू बिलीव इज राइट? क्योंकि एज अ वूमन यू कैन रेजोनेट कि हम आए दिन पेपर में पढ़ते हैं, वी ऑल हैव एक्सपीरियंसेस ऑफ हरासमेंट. तो वो जो चीज़ है ना, वो एक एंगर और एक ज़्यादा जोश देती है. मेरा एक बार तो मेरा सेट पे ब्रेकडाउन भी हो गया था, क्योंकि पता नहीं डायलॉग बोलते बोलते एक चीज़ मुझे ऐसे छू गई कि मुझसे आगे बोला ही नहीं गया. देन अजय एंड दे आर सो नाइस, इन्होंने अर्ली लंच ब्रेक किया, अरे जाओ खाना खा लो. तो मैं रो धो के आराम से, when I was relaxed, I came back into the scene. But it a very challenging role. और मैं इसमें मुझे इस फिल्म में, इस सब्जेक्ट में और अपने किरदार में यकीन है. अजय सर, आपके सामने विकास फ्रॉम न्यूज नेशन. जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हमने देखा भी
इस अभी जब ट्रेलर हम लोग देख रहे थे तो इसमें भी दूसरा पहलू हम लोगों ने जो देखा वो ये भी है कि कभी कभी इस सेक्शन को जो है वो ढाल भी महिला कभी कभी बना लेती हैं जो सही नहीं होता उस, तो उस एंगल को भी सर कितना आपने इस फिल्म में दिखाया है और क्या उसका सुझाव क्या है, एक सवाल ये है और दूसरा फिर मैं जी वो भी अभी पूछ लीजिए। दूसरा सर थोड़ा फिल्म से अलग है तो इसलिए पहले देखिए, इन द वर्ल्ड ऑफ लिटिगेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन आदमी एग्जैक्टली सच बोल रहा है, कौन आदमी एग्जैक्टली गलत बोल रहा है। लाइक ये वेरी राइटली सेड कि सच कभी पूरा सफ़ेद नहीं होता और झूठ कभी पूरा काला नहीं होता। शायद इसीलिए लॉयर्स काला और सफ़ेद दोनों पहनते हैं, ठीक है, बिकॉज उनको भी थोड़ा पैंतरेबाजी करनी पड़ती है। बट द जोक्स असाइड, दे हैव डेफिनेटली बीन केसेस दैट हैव कम टू लाइट वेयर अ वुमन हैज़ यूज्ड दिस एज अ वेपन, एंड बट द मेजॉरिटी ऑफ केसेस यू नो आर नॉट दैट। ओके, दैट इज व्हाई द लॉज स्पेशली आफ्टर द निर्भया इंसिडेंट इन 2013 द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट केम एंड लॉट ऑफ चेंजेस वर मेड टू द लॉ which were very strong to protect the women. Now there is a, whenever you do something like that to protect one side, there always is a small possibility that the other side might misuse it. That's, you just have to live with that damage. That's collateral damage. तो उतना ही है। जी, और दूसरा सवाल अक्षय सर आपसे भी है और ऋषा आपसे भी। हम लोग देख रहे हैं कि जो अभी इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ हिंदुस्तानी फिल्मों को जो है वो बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी देखा गया कि कुछ सिंगर जो हैं वहाँ परफॉर्म करके आए हैं उनको लेकर सवाल उठा है, तो क्या रिएक्शन, एक अगर खाली रिएक्शन आप लोग दे पाएं, क्या क्या कितना सही लगता है कि जब पड़ोसी मुल्क बैन करता है और उसके बावजूद सिंगर वहां पर जाते हैं और परफॉर्म कर कर आते हैं? देखिए, मेरा बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लगता है आर्टिस्ट जो होते हैं वो प्यार की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। हमारा एक कॉमन कल्चर है, मैं पंजाबी हूँ, बुल्ले शाह हम इस तरफ भी गाते हैं उस तरफ भी गाते हैं। मुझे लगता है आर्टिस्ट को बैन करते हैं लोग इसलिए क्योंकि आर्टिस्ट दोस्ती करवा सकते हैं दोस्त उसकी वजह कुछ और है। कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए यू हैव टू स्टॉप सीइंग द यू नो यू हैव टू सी द अदर साइड इज ह्यूमन। तो सबसे बड़ा पहला विक्टिम जो होता है कॉन्फ्लिक्ट का वो आर्ट और ह्यूमैनिटी होती है। देखिए ना, क्रिकेट है, गाने हैं, ये सारी चीज़ें, जब लॉ, टेररिज्म, अटैक, सिटीजन्स आपस में मुझे लगता है अमन और शांति चाहते हैं, इट्स ऑलवेज एंटी सोशल एलिमेंट्स, टेररिस्ट्स, ईवल माइंडेड पीपल जो ऐसे केओस को क्रिएट करते हैं। तो मैं इस पर, मेरा कोई स्टैंड नहीं है, मुझे लगता है हालात है, वो हवा का रुख बदलेगा तो हालात भी बदल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मुझे हमेशा लगता है कि आर्टिस्ट अपने दिल से गाना गाते हैं, फिल्म बनाते हैं, पोइट्री लिखते हैं, हम कहाँ किसी से दंगे फसाद की बात करते हैं, आर्टिस्ट तो सिर्फ प्यार की बात करते हैं। अक्षय सर, आप भी अगर रिएक्शन दें इस पर। तो ये तो पॉलिटिक्स है, हम इस पे ऊपर क्या हम बोले। सो आई थिंक दैट्स सेइंग अ लॉट।